विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, पर वे बढ़ते किस प्रकार से हैं, उनकी संख्या किस प्रकार बढ़ती है और अगली पीढ़ी किस प्रकार तैयार होती है। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, सारे सजीवों का वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म कोशिका विभाजन। इस प्रयोग द्वारा हम सजीवों में कोशिका विभाजन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्च वर्गीय वनस्पति और प्राणियों में कोशिका विभाजन के दो प्रकार पाए जाते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन। एक प्रक्रिया के रूप में समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन का अध्ययन करने से पहले आइए जान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं। जब हम कहते हैं कि कोई पेड़ या बच्चा बढ़ रहा है लंबाई में या फिर आकार में, या फिर हम कहते हैं कि कोई घाव ठीक हो रहा है, इन सभी घटनाओं में नई कोशिकाओं की निर्मिति समसूत्री विभाजन से होती है। वहीं दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि बीज से नया पौधा अंकुरित हो गया है, या जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है, तब उस प्रक्रिया में अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में नई कोशिकाओं की निर्मिति होती है जो उनके जनक कोशिकाओं जैसी होती है, पर जब अर्धसूत्री विभाजन से नई पीढ़ी तैयार होती है तो वे अपने जनकों से भिन्न देखती है। इसी कारण हम मानव अपने परिवार के किसी भी सदस्य या पूर्वजों की जेरोक्स कॉपी नहीं होते हैं, हाँ लेकिन कुछ लक्षण या वैशिष्ट्य अवश्य समान होते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन में दो अवस्थाएं समान होती हैं, केंद्रक का विभाजन या प्रकल विभाजन और जीवद्रव्य का विभाजन या परिकल विभाजन या साइटोकाइनेसिस। इस प्रयोग के लिए हमें जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वो हैं समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन के स्लाइड्स और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समसूत्री विभाजन की स्लाइड्स बनाने के लिए हम प्याज की जड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के लिए फूलों के पराग कोश या फिर टिड्डे जैसे कीटकों के वीर्योत्पादक ग्रंथियों की कोशिकाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निरीक्षण। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में प्रकल विभाजन को पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था इन चरणों में विभाजित किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक बात पर आपको विशेष गौर करना होगा, आपके पुस्तक में दी गई आकृतियों से ये चरण यहाँ थोड़े अलग दिखते हैं, इसलिए इन चरणों को पहचानने के लिए उन्हें गौर से देखें। पूर्वावस्था, केंद्रकावरण तथा केंद्रिका लुप्त होने लगती है। क्रोमैटिन के धागे जो वास्तव में पतले होते हैं, वे धागे आकार में छोटे और मोटे होने लगते हैं, जिन पर गुणसूत्र उनके अर्धगुणसूत्री जोड़ी के साथ तैयार होना शुरू हो जाता है। तारक केंद्र का भी विभाजन या द्विगुणित होना, वे विरुद्ध ध्रुवों की ओर जाते हैं। ये प्राणियों की कोशिकाओं में होता है, वनस्पतियों की कोशिकाओं में तारक केंद्र का अभाव होता है। वास्तव स्लाइड में पूर्वावस्था एक बड़े केंद्रिका के समान लगता है। मध्यावस्था, केंद्रावरण और केंद्रिका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, गुणसूत्रों का घनीकरण हो जाता है, सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित होते हैं। मध्यावस्था की पहचान इसी से होती है। कोशिका द्रव्य में तुर्क तंतु या लचीले प्रथिनों के धागे निर्माण होते हैं जो गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़ जाते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्रों की गणना की जाती है। स्लाइड में आपको विषुववृत्त प्रतल के समांतर गुणसूत्र दिखेंगे। पश्चावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है और अर्धगुणसूत्र जोड़ी भी एक दूसरे से अलग हो जाती है। तुर्क तंतु सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और वे अर्धगुणसूत्र जोड़ी को विपरीत दिशा में खींचना आरंभ करते हैं। स्लाइड में अर्धगुणसूत्र जोड़ी के दो गुच्छे कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर जाते हुए हम देख सकते हैं। यही पश्चावस्था की पहचान है। पूर्वावस्था, केंद्रकावरण तथा केंद्रिका लुप्त होने लगती है। क्रोमैटिन के धागे जो वास्तव में पतले होते हैं, वे धागे आकार में छोटे और मोटे होने लगते हैं, जिन पर गुणसूत्र उनके अर्धगुणसूत्री जोड़ी के साथ तैयार होना शुरू हो जाता है। तारक केंद्र का भी विभाजन या द्विगुणित होना, वे विरुद्ध ध्रुवों की ओर जाते हैं। ये प्राणियों की कोशिकाओं में होता है, वनस्पतियों की कोशिकाओं में तारक केंद्र का अभाव होता है।
वास्तव स्लाइड में पूर्वावस्था एक बड़े केंद्रिका के समान लगता है। मध्यावस्था, केंद्रावरण और केंद्रिका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, गुणसूत्रों का घनीकरण हो जाता है, सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित होते हैं। मध्यावस्था की पहचान इसी से होती है। कोशिका द्रव्य में तुर्क तंतु या लचीले प्रथिनों के धागे निर्माण होते हैं जो गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़ जाते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्रों की गणना की जाती है। स्लाइड में आपको विषुववृत्त प्रतल के समांतर गुणसूत्र दिखेंगे। पश्चावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है और अर्ध गुणसूत्र जोड़ी भी एक दूसरे से अलग हो जाती है। तुर्क तंतु सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और वे अर्ध गुणसूत्र जोड़ी को विपरीत दिशा में खींचना आरंभ करते हैं। स्लाइड में अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के दो गुच्छे कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर जाते हुए हम देख सकते हैं। यही पश्चावस्था की पहचान है। अंत्यावस्था, यह पूर्वावस्था के विपरीत अवस्था है। अर्ध गुणसूत्र जोड़ी का स्थानांतरण पूर्ण हो चुका है, तुर्क तंतु लुप्त हो चुके हैं, गुणसूत्र फिर से नाजुक धागों की तरह पतले होकर लुप्त हो जाते हैं, केंद्रकावरण और केंद्रिका फिर से दिखने लगते हैं। इस प्रकार एक कोशिका में अब दो विपरीत ध्रुवों पर दो संतति केंद्रक निर्मित होते हैं। जब केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है तब जीव द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। जीव द्रव्य के विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रक्रिया में वनस्पतियों के कोशिकाओं में कोशिक द्रव्यों के बीचों बीच एक कोशिका पटल की निर्मिति होती है और प्राणियों की कोशिकाओं में दरार का निर्माण होता है। जनक और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं का विभाजन दो अवस्थाओं में होता है, विभाजन भाग एक और विभाजन भाग दो। इस प्रकार इस प्रक्रिया के फलस्वरूप चार अगुणित कोशिकाओं की निर्मिति होती है। अर्धसूत्री विभाजन, भाग एक में जनक कोशिका द्विगुणित के गुणसूत्रों को बराबर आधे में बांटा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन भाग दो समसूत्री विभाजन की तरह होता है, जहां कम किए हुए गुणसूत्रों की संख्या को समान रखा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन भाग एक, इस विभाजन को आगे पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक और अंत्यावस्था एक में विभाजित किया जाता है। पूर्वावस्था एक, यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी चलने वाली अवस्था है। इसे आगे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। लेप्टोटिन, पतले धागे की अवस्था। जाइगोटिन, बायवेलेंट बनने के लिए सजातीय गुणसूत्रों का एक साथ आना। पैचेटिन, यह पारगति की अवस्था है जिसमें चैज्माटा की निर्मिति होती है। डिप्लोटन, पुनर्संयोग के बाद गुणसूत्रों का अलग हो जाना। डाइकाइनेसिस, गुणसूत्रों के अलग होने की क्रिया पूर्ण हो जाती है जिसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। केंद्रकावरण और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था एक, सजातीय गुणसूत्र इस अवस्था में विषुववृत्त पतल पर संरचित होते जाते हैं। कोशिका द्रव्य में तुर्क तंतु की निर्मिति होती है जो गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़ जाते हैं। पश्चावस्था एक, सजातीय गुणसूत्र का विपरीत ध्रुवों की तरफ स्थानांतरण शुरू हो जाता है, इसे वियोजन कहा जाता है। अंत्यावस्था एक, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, केंद्रकावरण व केंद्रिका फिर से देखना शुरू हो जाते हैं। जीव द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य दो अगुणित संतति कोशिकाओं में बंट जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन भाग दो, यह समसूत्री के समान होता है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और चार अगुणित कोशिकाओं की निर्मिति होती है। समसूत्री और अर्धसूत्री में फर्क, समीकरण विभाजन, न्यूनन विभाजन, दो संतति कोशिकाओं की निर्मिति, चार संतति कोशिकाओं की निर्मिति, संतति कोशिका और जनक कोशिकाओं के लक्षणों में समानता होती है। संतति और जनक कोशिकाओं के लक्षणों में समानता नहीं होती है। यह विभाजन बढ़ने की क्रिया में या चोट ठीक करते समय होता है।
इस प्रकार का विभाजन जनन कोशों में लैंगिक प्रजनन के दौरान होता है।